against privatization. Guys, we are here at Rohan's Biryani Mahal. अस्सलामु अलैकुम गाइज़ एंड वेरी गुड मॉर्निंग. ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है मॉर्निंग से और अभी है ऑफिस का टाइम. तो मैंने एज़ यू कुड हैव गेस्ड बाय द टाइटल इटसेल्फ कि आई विल शो यू माय डेली रूटीन जो ऑफिस में जैसे रहता है. बाय प्रोफेशन आई एम अ बैंकर और बस ऐसे ही मोस्टली ये रूटीन ही टाइमिंग रहता है और रूटीन ही वर्क रहता है जो डेली का रहता है. लाइक 9:45 तक हमें ऑफिस पहुंच जाना रहता है. बायोमेट्रिक अटेंडेंस रहता है. सो मॉर्निंग में काफ़ी ज़्यादा रश रहता है तो मैं उस दिन मॉर्निंग में रिकॉर्ड नहीं कर पाई. फिर ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता. तो बस मैंने ऑफिस से निकलने से लेके वापस आने तक का रिकॉर्ड किया है और मैं आपको कुछ ग्लिम्स दे दूँगी और एक आइडिया आपको मिल जाएगा इफ़ यू वॉन्ट टू गो इन द बैंकिंग प्रोफेशन. सो किस टाइप की कमिटमेंट्स होनी चाहिए आपकी, किस टाइप की प्रोफेशनलिज्म रहना चाहिए आपके अंदर. सो यहाँ पे ऑन द वे वी बोथ हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर बैंकर्स एंड अभी हम लोग ऑफिस जा रहे हैं. तो जी इन मोस्ट ऑफ द बैंक्स आई थिंक सो बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगा. सो अभी हमारे यहाँ तो बिल्कुल कंपलसरी है और अभी जो सिचुएशन है सो अभी कोविड वगैरह सिनेरियो कुछ भी नहीं है, कोई नॉर्म्स नहीं है उस टाइप के. सो नॉर्मल टाइमिंग ही है. कस्टमर आर इज़ फ्रॉम 10:00 टू 4:00 इन आर बैंक और आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट मैनेजर इन माई बैंक. तो एज एन असिस्टेंट मैनेजर यू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड आपको यू नो फुल टाइम देना पड़ेगा. यू शुड नॉट, अगर आप प्लान कर रहे हैं ना बैंक में जाने का, तो ऐसा नहीं है कि आप ये सोचेंगे कि मेरा टाइमिंग भाई इतने से इतने तक ऑफिस आवर्स है, वर्किंग आवर्स है, तो मैं इतना ही टाइम दूंगी. नहीं, आपको छुट्टियों में भी काम करना पड़ेगा. येस ऑफ कोर्स यू गेट अ कंपनसेटरी लीव फॉर दैट. सो मैं ऑफिस पहुंच गई और सुबह का यही है, क्लियर है डेस्क. अभी तो आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर लग रहा होगा. आई वाज जस्ट सेटलिंग डाउन. तो रोज़ का यही है. फिर उसके बाद लॉगिन एंड ऑल एंड ये मेरा वर्क स्टेशन है. सो देर आर मेनी डिपार्टमेंट्स एंड आई एम वर्किंग एज आई एम वर्किंग इन द कस्टमर सर्विस. फ्रंट डेस्क में हूँ मैं. तो बेसिकली कस्टमर डीलिंग ही मेरा रहता है जो भी रहता है. सो बैंकिंग इंडस्ट्री इज़ अ टोटली सर्विस सेक्टर. सो दिस इज़ कस्टमर बेस्ड. सो कस्टमर सर्विस इज़ द प्रायोरिटी. तो बस ऐसे ही रहता है. बाकी जो सुबह से लेके काम स्टार्ट होता है 10:00 से, फिर कस्टमर्स लोग आना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर टाइम ही नहीं निकलता है. तो आजकल मैंने ये करना शुरू कर दिया है. बीच में मैं इलेक्ट्रोल पाउडर रखती हूँ और मैं पी लेती हूँ. और क्योंकि यू नो हमारा जो काम है ना टोटली फोकस्ड काम रहता है. ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स और फंड्स का तो मैं बता नहीं सकती हूँ. लाइक देयर इज़ नो लिमिट एज सच बिकॉज आई वर्क इन अ वेरी बिग ब्रांच. जो सो बस इसके बाद फिर बस लंच टाइम में ही टाइम मिलता है. और अगर लंच टाइम ना हो ना, अगर हम लोग डेडिकेट ना करें कि हाँ ये टाइम से ये टाइम हमें लंच करना ही करना है, उठ जाए इस टाइम में, तो फिर शायद हम लोग लंच कर ही ना पाए 4 बजे से पहले. तो बस उस दिन मैंने बिरयानी बना ली थी सुबह सुबह मॉर्निंग में. तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया थोड़ा सा लंच टाइम का. तो मतलब इतनी ज़ोरों की भूख लग जाती है और इस टाइम तो बस लिटरली लगता है ना. और बस ऐसे ही होता है कि बस ठूस लो एंड उसके बाद फिर से बैठ जाओ काम करने के लिए. तो ये हमारा काम है तो फिर इसके लिए कुछ कर भी नहीं सकते हम लोग, क्योंकि वी हैव टू गिव 100% यू नो. एंड बीइंग अ बैंकर आई थिंक सो वी आर वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड वी आर ऑल राउंडर्स यू नो. इट इज़ नॉट कि हमें सिर्फ एक ही चीज़ में एक्सेल करना पड़ता है, बट सारे स्किल्स हम में होने चाहिए. टैकलिंग सिचुएशंस, टैकलिंग कस्टमर प्रॉब्लम्स से लेके एंड यू नो बैंकिंग में वैसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं होता है या कुछ ऐसा नया नहीं होता है. लेकिन हाँ, मतलब आपको
कुछ ना कुछ सीखने को रोज़ मिलता है. इफ़ यू आर वर्किंग जेन्युइनली एंड यू आर वर्किंग हार्ड देन यू विल गेट समथिंग टू लर्न एवरी डे. योर एक्सपीरियंसेस विल मेक यू वेरी यू नो यू विल अक्यूमुलेट लॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ नॉलेज यू नो. एंड बस यहाँ पे मैंने एक टाइम लैप्स शूट कर लिया था कुछ काम करते वक्त और यहाँ पे मेरी हालत देख लीजिए. इट्स राउंड अबाउट 8 o'clock. अभी बस निकलने की तैयारी थी और बस यहाँ पे मैं पैक कर रही थी बैग और निकल ही रही थी कि मुझे एक और काम याद आ गया. सो आई टोल्ड यू ना देयर इज़ नो टाइम लिमिट कि आपको इतने से इतने बजे तक ही काम करना है, उसके बाद स्टॉप कर देना, निकल जाना है. नहीं, इट्स नॉट दैट. अगर कोई इम्पॉर्टेंट काम है जो उसी वक्त होना है तो अगर 9-10 भी बजे तो आपको स्टे करना पड़ता है. इस टाइप का है क्योंकि यू नो बहुत सेंसिटिव चीज़ें होती हैं यहाँ पे. व्हेन यू विल कम इन दिस इंडस्ट्री तो आपको पता चलेगा कि जो बाहर से आपको दिखती है और जिस तरह के काम अंदर होते हैं, हम जितने यहाँ पे रिस्क फैक्टर्स, ऑपरेशनल रिस्क, आजकल जितने फ्रॉड्स हो रहे हैं एंड ऑल, इट इज़ अ वेरी यू नो यू नीड टू बी, इट्स नॉट अ केक वॉक एक्चुअली. तो बस मैं निकलने की तैयारी कर रही थी, लास्ट मिनट कुछ बच गया था तो मैं उसे निपटा रही थी और इसके बाद मैं चली जाऊँगी हस्बैंड के पास. हम लोग फिर साथ में इकट्ठे जाते हैं जैसे हम साथ इकट्ठे आए थे. तो फिर बस यहाँ से मैं निकल गई अपने ऑफिस से और ऑफिस के बाद फिर मैं मोरलॉक से निकल गई हूँ और मैं पहुँचूँगी बिरयानी महल. उस दिन हमने रोल खाया था. सो लेट्स मीट माय हस्बैंड नाउ. अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन. सही है guys, we are here at Rose Biryani Mahal. कहाँ गया बिरयानी यार, तो दिख ही नहीं रहा. सो गाइज, इसी के साथ ये ब्लॉग एंड करती हूँ मैं. और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो सब्सक्राइब टू माई चैनल और यू कैन कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. तब तक के लिए टेक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ केयर. अल्लाह हाफिज़.